बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाफिज़ मोहम्मद यासर आए फिर थोड़ी खिदमत एक नवी रेसिपी लगा चिकन चीज़ पिज़्ज़े की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त आपां इह पतीले दे विच इहनूं बनावांगे इंशाल्लाह। नैक्सट टाइम थोड़े को तंदूर दे विच भी आऊगी वीडियो। तो चलो आयो रेसिपी की तरफ जाने हैं। तो सारे तो पहले देखो जी, टमाटर दो मैं बड़े लै लिया, उन्होंने स्लाइसा में कट लिया। उस बाद प्याज लै लिया, प्याजों बरीक बरीक कट के इन भी शिमला मिर्च भी मैं तकरीबन दो शिमला मिर्च इन्हों स्लाइसा कट लिया। बंद गोभी बरीक बरीक कट ली है। तो जेडे चिकन आ चिकन असं मैरीनेट करके हूँ इन फ्राई कर लेना अच्छी तरह। तो यदा वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद आ, तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो। वीडियो स्किप ना करो, स्टैप बाय स्टैप फॉलो करो। इंशाल्लाह थोड़ा पिज़्ज़ा बिल्कुल ठीक बनूगा इंशाल्लाह। तारा जिदा बिल्कुल मैं देखा से उदा जिस तरह का मेरा बनया इंशाल्लाह बिल्कुल इस तरह का ही थोड़ा पिज़्ज़ा बनूगा। उस बाद देखो जी डो इन भी मैं मैरीनेट कर लिया। वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उतो देख लो। लेकिन पियो वीडियो मुकम्मल देख लो इंशाल्लाह। थोड़ा पिज़्ज़ा बिल्कुल परफेक्ट बहुत ज़बरदस्त बनूगा। तो तकरीबन दोवें पिज़्ज़ा की साड़ी डो देखो जी माशाल्लाह कैसी ज़बरदस्त तैयार हुई है साड़ी डो। तो इहदा लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो हुण आपां इहदी वेल लैणी रोटी, जिदा बिल्कुल आम नॉर्मल रोटी वेली दी हुंदी इदां। इहदी थोड़ी जी मोटी होनी चाहिए रोटी पिज़्ज़े की। तो उस तो बाद पिज़्ज़ा ट्रे आप अच्छी तरह कुकिंग ऑयल ना ग्रीस कर लेनी है। तो कोई बटर है बटर ना कर लो, देसी घ्यो ना कर लो, बहुत ही ज़बरदस्त। देखो जी माशाल्लाह असी चंगी रोटी पिज़्ज़ा ट्रे दे रख ली है। उस तो बाद टक ला देना है इदा इदा बिल्कुल इस तरह। तुसी कांटे की मदद ना ला लो, कोई मसला मेरे को कांटा अवेलेबल नहीं सी, इस तो मैं ये छुरी ना लाने लिया। तो उस तो बाद हूँ आप लवेंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस तुसीं ये घर भी बना सकते हो इंशाल्लाह। इहदी रेसिपी मैं दूंगा, मैं घर बनाई सी इंशाल्लाह, इहदी रेसिपी भी तुहानूं दूंगा। तो उस तो बाद आपां इहदे उत्ते चीज़ ला देनी अच्छी तरह। चीज़ को ज़्यादा लाउणी, जिन्ना ज़्यादा चीज़ होगा उन्ना ज़्यादा ज़बरदस्त। मैं चीज़ बहुत ही पसंद है, इस तो मैं कुछ ज़्यादा चीज़ लाउंदा हुंदा। तो उस तो बाद इहदे उत्ते आपां लवांगे बंद गोभी। बंद गोभी बारीक बारीक कट लैनी, ज़्यादा नहीं लाउणी, बंद गोभी थोड़ी थोड़ी लाउणी है। उस तो बाद इहदे उत्ते शिमला मिर्च इदां आपां रख देनी है, इहनूं मैं बारीक बारीक स्लाइसा में कट लिया। तो उस बाद टमाटर जोड़े आप कट्टे से ये रख देने। तो उस तो बाद प्याज, प्याज पाए बहुत ही ज़बरदस्त लगते होंगे मैं, इस तो मैं प्याज पाए है। जो तुम पाना चाहो पा लो, नहीं पाना चाहो ना पाओ। उस तो बाद जो चिकन आप फ्राई किया, उस तो बाद चिकन सारा ये उत्ते ला देना। तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, जिन्ना ज़्यादा चिकन लाऊंगे तो उन्ना ज़्यादा, जिदा कहें साढ़े पंजाबी एक मसाला, जिन्ना गुड़ पाओ तो उन्ना ही मिठा। इस तो जिन्ना ज़्यादा चिकन लाऊंगे तो उन्ना ही ज़्यादा मज़ेदार थोड़ा पिज़्ज़ा बनूगा। ये मेन चीज़ यदि पिज़्ज़ा, पिज़्ज़े की मेन चीज़ हैगी चिकन तो चीज़। ये दो चीज़ा अच्छी तरह टैट जीयां करके लाइया हो इंशाल्लाह, फिर बहुत ज़बरदस्त लगता हूँ। देखो जी माशाल्लाह सारा असं तलात है। उस तो बाद एक किनारियां ते कुकिंग ऑयल ला देना अच्छी तरह, ताकि किनारे सख्त ना होन। ते उस तो बाद देखो जी माशाल्लाह चीज़ मैं उत्ते होर लाती सी। ते उस तो बाद हुण ए पतीले नूं मैं तकरीबन 15 मिनट पहले प्री हीट होने रखता। 15 मिनटा बाद हुण इहदे विच आपां स्टैंड रख के, तुसीं कोई भी चीज़ रख सकते हो स्टैंड रख के। उस तो बाद इहदे विच आपां रखांगे पिज़्ज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 35 मिनट लिए आपां रखना है। 35 मिनटा बाद इंशाअल्लाह ताला थोड़ा मिलेंगे विच, फिर वक्फे ना देख भी लेना है 20 मिनटा बाद। तो देखो जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह कैसा ज़बरदस्त साडा पिज़्ज़ा तैयार होया, चिकन चीज़ पिज़्ज़ा। तो देखो माशाअल्लाह, देखते ही मुँह च पानी आ गया, जी करदा हुण ही सारा खा जा। तो माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनया। तो हुण इहनूं आपां कटदे हां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो जी माशाअल्लाह कैसा ज़बरदस्त, देखो माशाअल्लाह देखो। उम्मीद कर रहा थानू मेरी ये वीडियो पसंद आई होनी है। तो दोस्तों चैनल ते नवे चैनल सब्सक्राइब कर लो, घंटी के बटन दबा लो। मैं दुआओं याद रखो, अगली वीडियो तक दो इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।